ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। सर्वप्रथम आप लोगों को सादर प्रणाम, हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। भाइयों, मैं अजय कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट बैतालपुर ब्लॉक महामंत्री। साथियों, अभी अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी आए थे, भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी लोग अयोध्या धाम पर आए हुए थे। हमारे प्रदेश संगठन के सभी आला कमान के नेता मिलने की पूरी कोशिश किए, पहले से तैयारी थी, तमाम भाजपा के सांसद और विधायकों से आग्रह किया गया था, ज्ञापन भी उनको सौंपा गया था, उन्होंने अयोध्या आगमन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलाने का आश्वासन भी दिया था। ज्ञापन तो हम लोगों का संगठन के द्वारा दे दिया गया, लेकिन वहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाई कि हमारे संगठन के नेता उनसे सामने सामने मिल पाए, फेस टू फेस नहीं मुलाकात हो पाई। कोशिश पूरा किया गया, लेकिन प्रशासनिक कारणों से, सुरक्षा कारणों से, अन्य भी समय के अभाव में मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ज्ञापन उन लोगों को सौंप दिया गया है। साथियों, अभी 18 जनवरी को हमारे संगठन से, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन, अन्य संगठन जो भी हमारे हितों के लिए संगठन बने हुए हैं, सबके साथ में, सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उस कमेटी के साथ अब हमारे संगठन की भी बैठ के साथ में मीटिंग होगी। जो मांग पत्र दिया गया है, जो ज्ञापन दिया गया है, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे आला संगठन के पदाधिकारी हमारे हित में उनको तमाम राज्यों के शासनादेश और मांगे सौंपे हैं, अब उस पर सामने बैठ करके ही समीक्षा होगी, विचार होगा। संगठन के हमारे आला कमान के जितने भी लोग लगे हुए हैं, सबका यही प्रयास है कि मित्रों, हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, भले ही वो मानदेय के रूप में हो, प्रसिद्धि अध्यापक के भांति हमें वो सारी सुविधा दिया जाए, हमें वह अवकाश, हमें वह प्रमोशन, हमें उतने ही वर्ष की नौकरी करने की छूट, ये सारे मांग हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्राथमिक शिक्षा विभाग का एक टारगेट बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद निपुण भारत और तमाम उन्नयन कार्यक्रम जो इनका है, वो मित्रों तभी चल पाएगा कि जब एक ही छत के नीचे कार्य करने वाले अध्यापक, प्रसिद्ध अध्यापक, शिक्षा मित्र, जब हमारे सेवा में, हमारे अधिकार में असमानता नज़र नहीं आएगी, तो शासन की जो मंशा है वह अबाध गति से चलेगी और उनकी मंशा पूर्ण भी होगी। तो संगठन भी लगा हुआ है कि प्रत्येक शिक्षा मित्र का सहायक अध्यापक के भांति ही उनका वेतन, मानदेय, उनकी छुट्टियां, उनका प्रमोशन, सब कुछ उनके समान हो, नियमावली जो भी हो, विधि पूर्वक हो, उसको बना लिया जाए। सरकार के पास बहुत शक्तियां होती हैं, बस मंशा साफ होनी चाहिए, न्याय करने की मंशा होनी चाहिए, तो नियमों में परिवर्तन करके वो हम लोगों को सहायक अध्यापक के भांति वो सारी सुविधाएं दे सकते हैं। और 1,48,000 शिक्षा मित्र जिस दिन सहायक अध्यापक के बाद सारी सुविधा पाने लगेंगे, वो अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होंगे और शासन की जो मंशा है बेसिक शिक्षा विभाग के
उन्नयन की दशा दिशा में आवे, निपुण हो। तमाम योजनाएं हैं जिनको पूर्ण करना है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सब लोग मनोयोग से लग जाएंगे। लेकिन कब कब लगेंगे कि जब ये एक ही छत के नीचे इतनी बड़ी विषमता और असमानता की खाई बनी हुई है, तो पूरे मनोयोग से ये 1,48,000 शिक्षा मित्र अपने आप को ठगा हुआ, हारा हुआ, शोषित महसूस करके विद्यालय में अध्यापन का कार्य करते हैं। सब लोग समझ सकते हैं कि हम ड्यूटी ये करते हैं, हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन हारे हुए मन से। और एक हारे मन से कोई भी शिक्षक कोई भी शिक्षा न दे सकता है, न ग्राह्य करा सकता है, न कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है। हमारा दिल द्रवित रहेगा, हम परेशान रहेंगे, हमको लगेगा कि एक विद्यालय में एक शिक्षा मित्र ही एक ऐसा प्राणी है जो शासन के उपेक्षा का शिकार है। हमारे ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मी है जिसको फर्स्ट क्लास का दर्जा दिया गया है, वो भी हमसे अच्छा वेतन पाता है। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सशंकित और भय में कमेंटमेंट सोशल मीडिया पर न करिए, दिमाग में रखिए। संगठन भी लगा हुआ है, संगठन भी ये जानता है कि हम भ्रम में इस बार नहीं रहेंगे। यदि गवर्नमेंट को, यदि सरकार को, वर्तमान सरकार को हमें देना है, तो चुनाव आचार संहिता के बाद ही पहले ही हम लोगों को ले लेना है। अगर ऐसी स्थिति आएगी, ऐसा अगर होता है कि नहीं शासन में प्रशासन में ये चुनाव भर मात्र के लिए बरगलाने की बात होगी, तो उसके पहले संगठन सामूहिक रूप से एक बहुत बड़े विशाल धरने का प्रायोजन होगा और उसमें हमें उम्मीद है कि हर विभागों के सभी संविदा कर्मी शामिल होंगे और एक बहुत बड़ा हुजूम लखनऊ की धरती पर रहेगा और वो हुजूम तब तक वापस नहीं आएगा जब तक सभी संविदा कर्मियों का एक सुलभ रास्ता नहीं निकाल लिया जाएगा। और वो धरना इतिहास भी बन के रहेगा। तो साथियों, नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, 18 जनवरी तक इंतज़ार है, करना ही है। 18 जनवरी को बैठक होगी, हमारे संगठन के आला कमान के नेता सभी लोग लगे हुए हैं, पल पल की खबर रख रहे हैं, पल पल उनका प्रयास है, भरपूर प्रयास है। तो उस पर हमको नज़र रखनी है कि क्या सरकार हमारी मांगों को कहाँ तक पूरा करती है, किन मांगों पर असमर्थता जताती है, उस पर भी प्रयास होगा। हमारे तमाम मृतक शिक्षा मित्र साथी, उनका भी प्रदेश संगठन जो है जिलेवार ब्लॉकवार आंकड़ा जुटा रहा है, कितने लोग असमय काल कौलित हो गए, उनका पूरा विवरण भी लिया जा रहा है। इन मांगों जो मांगे हम लोगों की मांगी जाएंगी, ये भी लिस्ट रखी जाएगी, उस पर भी मांग होगी कि जो हमारे शिक्षा मित्र साथी नहीं रहे उनका क्या होगा, उनके आश्रितों को कैसे लाभ दिलाया जाए, चाहे नौकरी से हो, चाहे उनको अनुग्रह राशि हो, उस पर भी संगठन लगा हुआ है और उस पर भी कुछ न कुछ होना है। जहाँ तक हो सकता है वो सरकार से कराना है, लेना है। तो इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं और NS नाव न्यूज चैनल का मैं सादर आभार ज्ञापित करता हूं कि हम शिक्षा मित्र की समस्याओं को, हमारी बातों को जहां तक हो सके शासन और प्रशासन के और समाज के प्रबुद्ध लोगों तक पहुंचाएं। और हमारी समस्याओं के न्यायिक उचित निराकरण में हमारे लोगों का, हम शिक्षा मित्र भाइयों बहनों का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।